दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब से सरकार चेंज हुई है तब से छत्तीसगढ़ में लगातार कोई न कोई प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ में करीब करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कई सारे नए नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार लगातार कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। भारत सरकार के जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय है वो अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ में अपने डिपार्टमेंट को लेकर के काफी तेजी से काम कर रहे हैं। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉरिडोर को बनाया जाएगा और इसके लिए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ को नया मंजूरी दिया है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा 52 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि से, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस आपको बता दें कि पीयूष गोयल और छत्तीसगढ़ के सीएम के बीच में जो बैठक हुआ था, इस बैठक का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। आपको बता दें गाइस कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाएं और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों की मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को नई दिशाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रक्रिया दी और जल्दी मंजूरी देने का आश्वासन दिया, जिससे राज्य के उद्योग वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। बैठक में एपीडा के सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का भी मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भारत सरकार से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बैठक में रायपुर में स्थित कॉर्नर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता केवल 15% है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ने का अनुरोध किया, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर हल करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की है। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ेगी और नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई और जल्द ही कार्यान्वयन का आश्वासन भी दिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, औद्योगिक वाणिज्यिक सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के निवेश कमिश्नर रितु सेन और भी कई सारे बड़े अधिकारी अवेलेबल थे, जिनके बीच में ये सारी चर्चाएं हुई। ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं। केंद्र के द्वारा इस पर सहमति जता दिया गया है। अब आने वाले टाइम में सरकार इस पर स्टडी करेगी और इन सब के लिए बजट जारी करेगी। करते हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए महतारी सदन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयासों से 179 महतारी सदनों की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यू इंडिया की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ रहा है और ग्राम पंचायतों में बन रहे महतारी सदन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विजय शर्मा ने कहा कि ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने की जगह की कमी की शिकायत की थी, जिसके चलते महतारी सदन बनाने का विचार किया गया है। तो 52 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 179 महतारी सदनों को बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में। प्रत्येक महतारी सदन की लागत करीब करीब 30 लाख रुपया होने वाली है, जिसमें से 24 लाख रुपया महतारी सदन योजना के बजट से और 4.5 लाख रुपया स्वच्छ भारत मिशन के बजट से जुटाया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ग्राम पंचायत की बात नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के 179 यानी कि लगभग 180 ग्राम पंचायतों में इस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में, उस पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से 4 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, जिसको कि 900 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिल चुकी है, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके पहले जो सरकार थी या छत्तीसगढ़ में जो अब तक सड़कें बन चुकी है उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत काफी खराब है। जैसे किस वाले वीडियो में देख पाएंगे आप कि छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर कैसी हालत हो चुकी है, वहाँ का ये वीडियो है।
और ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो नई नई सरकार आई है, 3-4 साल बाद पता चलेगा कि ओवरऑल किस तरह से काम हुआ है। अगर आप छत्तीसगढ़ में लोकल हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे वहाँ सोल्यूशन निकलना चाहिए, जनता ने जिस सरकार को वोट दिया है 5 साल में वो किस तरह से इन सारी चीजों को चेंज करती है और छत्तीसगढ़ का विकास करती है। बाकी छत्तीसगढ़ को लेकर के या भारत के किसी भी राज्य को लेकर के कोई भी बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सामने आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।